एबीएन देख रहे स्मूथ दर्शकों को हम लेके आए हैं राजमहल फाजिलका सेठ अतुल नागपाल के गृह निवास पर, जहां पर जैतो के विधायक मास्टर बलदेव सिंह आम आदमी पार्टी की तरफ से पहुंचे और उन्होंने कहा कि फरवरी 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री का चेहरा पंजाब में घोषित करेगी और इस बार पंजाब में नगर कौंसिल और नगर निगमों में आम आदमी पार्टी के जो कौंसलर हैं वो जीतेंगे और आम आदमी पार्टी के बोर्ड बनेंगे। और इन्होंने क्या कहा यह सब जानने के लिए हमारी पूरी वीडियो देखिए। जी जिवें तुसीं सवाल कीता इहदे विच इस बार जिहड़ी पिछली 2017 दे विच इलेक्शन लड़ी है, इस बार आम आदमी पार्टी लगभग 7-8 महीने पहला जिहड़ा मुख्यमंत्री दा साडा चेहरा होगा और 117 सीटां ते साडे आम आदमी पार्टी वल्लों असीं लड़ांगे और पूरे जोशो खरोशे दे नाल आम आदमी पार्टी अग्गे वध रही है, क्योंकि पंजाब दे लोक अज दिल्ली दे विच जिहड़ी साडी अरविंद केजरीवाल दी सरकार बणी है उन्हां ने एक मॉडल पेश कीता है, उह सारा मॉडल पंजाब दे विच वी असीं मतलब करन जा रहे हैं। लोकां नूं हुण बहुत मतलब हैगी खिच है कि असीं जल्दी जल्दी जिहड़ी आम आदमी पार्टी दी सरकार बणाई। बिल्कुल जिवें अस बलदेव सिंह जी दसदे पए ने कि अज सारा दिन हबोर च लगाया, चलो असीं तां हबोर च जांदे ही आं पर अज इन्होंने जाके खुद आप हालात देखे ने वी उत्थे की हालात होए पए ने, लोग जिहड़े ने दर जी हैगी अज उथों की जिंदगी बतीत करते पे ने, नरक भोग रहे ने उथों के लोग, तो असि त कहने भी जल्दी जी आम आदमी पार्टी आए जिवें दिल्ली विच अरविंद केजरीवाल जी ने स्वर्ग नाता दिल्ली नूं और जिहड़ा हबोर हैगा ये स्वर्ग बने, लोगों के जिहड़े दुख दर्द दूर होवन जिहड़े ने, और बहुत माड़ी हालत हुई भी अज फाजिलका भी जिहड़े कहने अज मैं 3-4 वार्डा विच गया, 21 नंबर वार्ड विच गया मैं, 16 नंबर वार्ड च गया सी, सवेरे सूबेदार चरण सिंह जी जिहड़े अपने 10 नंबर वार्ड च गए सी, उत्थे असी 8 नंबर वार्ड सारे पासे होके आए हां, बहुत वधिया हुंकारा मिल रहा है, लोग वोटां पाउण वास्ते बिल्कुल तैयार हैगे ने, सानूं अंदर बुला बुला के लोग जिहड़े ने साडा वेलकम कर रहे ने, बड़े मतलब लोगों च उत्साह भरिया पै रहा जी। जी बड़े दुख की गल है कि जो जलालाबाद दे विच नंगा नाच देखा गया, सारी आवाम ने देखा कि जिहड़ा उथों दे लीडर काका कंबोज नाम का जिहड़ा हैगा बीसी कारपोरेशन का चेयरमैन है पंजाब दा और उन्हां दे नाल शंटी कपूर है जिहड़ा पीएडीबी का चेयरमैन, उन्हां दे नाल जिहड़ा हरीश सेतिया, मैं माफी चाहुंदा पत्रकार भाईचारे तों सानूं बहुत वड्डी आस है पर वह पत्रकार जिहड़े भाईचारे नाल संबंधित होकर भी उन्होंने गुंडागर्दी की साडे नाल, उत्थे सुमित जिहड़ा आंवला हैगा रविंदर आंवला जिहड़ा गुंडा एमएलए बन के जिहड़ा बाहर नित रहा उहदे बेटा भी हैगा सी और होर इस तरह के 300 गुंडा लिया के उन्होंने साढ़े 17 दे 17 फाइलां जिहड़ियां खोह के लै के साडे वकील साहब तों साडे लीडर साहिबान नूं और ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਤਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਿਆ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਵਾਸਤੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੂਰੇ 103 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ MLA ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੈਤੋ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਆਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਰਕ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਨਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਟੱਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ BJP ਦਾ ਅਰੁਣ ਨਾਰੰਗ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਬੋਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਕਰੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਤੀਸਰੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰ ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਪਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
इतने आम आदमी पार्टी नहीं हरी सी पर 2017 दे विच बहुत गंद कढ़ने की कोशिश की हुण जिहड़ियां गुट्ठां बचियां जिहड़ा गंद है वह लोग पूरा तैयार बर तैयार ने बड़ा सानू परवा हुंगारा मिल रहा और लोग विकल्प वजों आम आदमी पार्टी 2022 लई देख रहे हैं और बड़े तरले दे नाल असीं सरकार बन जा नगर कौंसल चोणां विच आम आदमी पार्टी वल्लों की पैरामिलिट्री फोर्स लगाउण दी मंग की जाएगी बिल्कुल असीं मंग करदे हां डीसी साहब नूं असीं जिहड़े उत्थों दे मुख चोण अफसर ने उहनां नूं असीं मंग करदे हां सानूं स्पैशल जिहड़ी है इसे प्रोटैक्शन दित्ती जावे और पैरामिलिट्री फोर्सिस ते लगाईआं जाण क्योंकि सानूं बहुत वड्डा खतरा हैगा लोकतंत्र दे विच लोक वड्डे हुंदे पर लोगों को वोट पाने का हक जिहड़ा मिलना चाहिए हैगा पर लोग जिहड़े डरा धमका के जिहड़ा हैगा ये चोण दी जिहड़ी प्रक्रिया वह रोकना चाहुंदे हैगे आ क्योंकि ये लोग अज हार चुके देखो साडे पोस्टर हबोर विच पाड़े जा रहे हैं साडे जिहड़े कैंडीडेट्स आ पूरे जिले दे उन्हां नूं थ्रेट्स दे रहे ने उन्हां नूं डरा रहे ने कि तुसीं छड्ड जाओ मैदान पर नहीं साडे लोग डटे हुए ने और इन्हां दी हार दा नतीजा ये हार दा जिहड़े चिन्ह ने और ये हार रहे ने और आम आदमी पार्टी पंजाब दे लोग शहरी खेत्र दे लोग जित रहे ने। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।